क्या आपको पता है भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और क्वीन एलिजाबेथ के बीच था काफी नजदीकी रिश्ता। क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप लॉर्ड माउंटबेटन के भांजे थे। वो ग्रीस के शाही खानदान के राजकुमार थे और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी भी। मगर सन 1921 में तुर्की के साथ युद्ध में ग्रीस की शर्मनाक हार के बाद ग्रीस में तख्ता पलट हो गया और प्रिंस फिलिप के शाही परिवार को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 18 महीने के प्रिंस फिलिप को एक फल की टोकरी में रखकर ब्रिटिश नेवी के जहाज में रेस्क्यू किया गया। इसके बाद प्रिंस फिलिप अपने मामू लॉर्ड माउंटबेटन की निगरानी में ही इंग्लैंड में पले बढ़े। उन्होंने भी अपना नाम फिलिप माउंटबेटन ही कर लिया। प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ की सेटिंग भी मामू माउंटबेटन ने ही की थी। उन्होंने इन दोनों की पहली मुलाकात कराई और एक तरह से लॉर्ड माउंटबेटन प्रिंस फिलिप के लव गुरु थे। भारत के वायसराय होने के बावजूद माउंटबेटन का पूरा ध्यान एलिजाबेथ के साथ अपने भांजे की शादी में ही लगा हुआ था, जिसके लिए वो वायसराय की अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वापस लंदन भी जाते रहते थे। इस शाही शादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन और क्वीन एलिजाबेथ के बीच भी काफी मधुर संबंध रहे।